हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है रेटिंग कंट्रोल। तो रेटिंग कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है, बेसिकली होता क्या है रेटिंग कंट्रोल, ये आज हम आज की एग्जांपल में बनाएंगे। तो ये जो रेटिंग कंट्रोल है बेसिकली एजेक्स की टूल किट में अवेलेबल होता है। अगर आपको नहीं पता कि एजेक्स की टूल किट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ही चैनल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो ज़रूर आप देख लें। उसमें मैंने बताया है कैसे आप एजेक्स की टूल किट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर, और कैसे बड़े इजी वे के साथ जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर। तो रेटिंग कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। अगर आप यूज़र्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट की रेटिंग जो है आपको फीडबैक के तौर पर सेंड कर सकें स्टार की हेल्प के साथ, तो उस केस में आपको जो है रेटिंग कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उससे आपको एस्टीमेट और फुल जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा कि रेटिंग कंट्रोल बेसिकली यूज़ क्यों करना अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसका मेन जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। तो चलिए, जो ये देख रहे हैं आप, मैंने 5 स्टार्स यूज़ किए हुए हैं। तो ये बेसिकली जो स्टार्स हैं एक तरह की इमेजेस ही हैं, मगर इन इमेजेस को जो है इस तरीके से यूज़ किया गया है रेटिंग कंट्रोल के साथ कि अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ इस स्टार के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो इसका कलर जो है येलो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टार है वो फिल्ड हो गया है। अगर यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो 3 स्टार जो है फिल्ड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लेके जाएंगे 4 स्टार फिल्ड हो जाएंगे। अगर माउस का कर्सर बिना बटन को प्रेस किए आप कहीं और लेके जाएंगे तो जो आपके अनफिल्ड स्टार्स हैं वो ब्लैंक हो जाएंगे। तो 1 की रेटिंग जो है मैंने डिफ़ॉल्ट रखी है। आप यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो है वेबसाइट की रेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो है रेटिंग कर दी 4, तो जैसे ही मैंने 4 के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है एक मैसेज डिस्प्ले हो चुका है लेबल के अंदर, यू हैव रेटेड आवर वेबसाइट पॉइंट्स 4। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है आप फीडबैक जो है डेटाबेस के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि आपने जो रेटिंग यूज़र को रेटिंग के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना है वो स्टार की हेल्प के साथ करना है, तो उसके लिए आपको जो है रेटिंग कंट्रोल को जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे आपने डेवलप करना है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे ही प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फाइल न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आपने वेब लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली ये आपके पीसी के ऊपर एक फोल्डर का पाथ होगा जिसके अंदर आपका सारा जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो यहाँ पे हम फोल्डर का नेम लिख देते हैं रेटिंग कंट्रोल 2, और जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मेरा जो स्टूडेंट फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं एक न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। तो ब्लैंक वेब फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जो है जो वेब फॉर्म है उसका जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं आपको कंसेप्ट टीच करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ब्लैंक वेब फॉर्म आ चुका है। तो चलिए, इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, टूल बॉक्स में से सबसे पहला जो कंट्रोल मैं यूज़ करूँगा वो है लेबल कंट्रोल। तो जैसे ही लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हरिति स्टडी हब। तो ये बेसिकली जो है हमारे चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है वीडियो ट्यूटोरियल जो है इसी तरीके के अपलोड करते रहते हैं। उससे आपको काफ़ी
हेल्प मिलेगी प्रोग्रामिंग को सीखने और समझने में, और आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो और भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम लाइव एग्जांपल के थ्रू टीच करवाते हैं और साथ में जो है सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है एक लेबल और इंसर्ट करते हैं और इस लेबल के अंदर अपने प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं, यूज़ रेटिंग कंट्रोल यूजिंग एजेक्स टूल किट ASP.NET C#। और चलिए यहाँ से आप जो है फॉर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो रेड कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपने एजेक्स की टेक्नोलॉजी को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, तो सबसे जो पहला कंट्रोल एजेक्स के रिलेटेड आपने यूज़ करना है वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो चलिए टूल बॉक्स में से आपने ढूंढना है एजेक्स की एक्सटेंशन को ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होती है आपके टूल बॉक्स के अंदर, तो यहाँ से आपने जो कंट्रोल यूज़ करना है अपने वेब पेज के ऊपर वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो बेसिकली स्क्रिप्ट मैनेजर का कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, इसका एक ही मेन पर्पस है कि एजेक्स के रिलेटेड जितनी भी इंपोर्ट करने के लिए फाइल्स होती हैं वो सारी जो है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करता है और आपकी वेबसाइट में जो है एजेक्स की फंक्शनलिटी को रनेबल बनाता है। तो चलिए मैनेज करने का काम सारा जो स्क्रिप्ट एजेक्स टेक्नोलॉजी को वो इसी कंट्रोल का है। अब हम इसका जो आगे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल्स की हम जब नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 रखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 कर देते हैं और ओके करते हैं। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है वेब पेज के ऊपर। तो इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी थोड़ा सा और रीसाइज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर रेटिंग फॉर आवर वेबसाइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीसाइज कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा रिसर्च कर देते हैं। यहाँ पे एक लेबल को यूज़ करते हैं ताकि रेटिंग करने के बाद यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकें। तो यहाँ पे लेबल आ चुका है और इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको अभी के लिए ब्लैंक कर देते हैं, और इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ से जो इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर 1 लिख के एंटर कीजिए, इससे जो लाइंस है टेबल की वो थिक हो जाएंगी। तो चलिए अब हमने मेन कंट्रोल अपना यूज़ करना है, तो आज का जो हमारा मेन कंट्रोल है वो है रेटिंग कंट्रोल। तो उसके लिए मैंने एजेक्स की जो टूल किट है वो इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेक्स की जो टूल किट है वो है 15.1। तो चलिए यहाँ से देखते हैं रेटिंग कंट्रोल। तो ये देख सकते हैं आप जो है रेटिंग कंट्रोल मेरा आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके इस एरिया के ऊपर जो है इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इस एरिया के ऊपर मेरा जो है रेटिंग कंट्रोल जो है आ चुका है। तो यहाँ पे जो इनिशियल इसकी रेटिंग है वो 1 कर देते हैं, मैक्सिमम 5 कर देते हैं और ओके कर देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से आप सोर्स कोड के अंदर जाकर भी यहाँ पे देख सकते हैं टेबल टैग के अंदर जो है ये जो TD टैग है टेबल डेटा है इसके अंदर जो है रेटिंग वाला कंट्रोल आ चुका है, मगर अभी हम इसको जो है और भी कॉन्फ़िगर करेंगे। इसकी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। तो यहाँ पे जो है एक है ऑटो पोस्ट बैक, इससे क्या होगा आपको ट्रू करना पड़ेगा। जैसे ही आप रेटिंग को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपकी फीडबैक जो है सर्वर को सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे जो है CSS के रिलेटेड जो है क्लासेस यूज़ करनी है हमने, तो CSS बेसिकली स्टार प्रोवाइड्स करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लासेज है CSS की, एक है स्टार CSS क्लास और एम्प्टी स्टार CSS क्लास, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टार को कैसा बनाना चाहते हैं आप। दोनों का काम एक ही है, आपको दोनों को एज ए सेम वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेटिंग स्टार जो पेंडिंग स्टार्स हैं जो आपने फील्ड नहीं कर रखे, जो आपने फील्ड नहीं कर रखे उनके उनका जो फॉर्मेट कैसा होगा, तो उस केस में आपको वेटिंग स्टार के ऊपर CSS अप्लाई करनी होगी। फील्ड स्टार जो आपने ऑलरेडी फील्ड कर दी है सेलेक्ट कर लिए हैं स्टार्स, उनकी जो है फॉर्मेटिंग कैसी होगी, कलरिंग कैसी होगी, कैसा जो इमेज है वहाँ पे डिस्प्ले होगी, तो वो आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी CSS जो है
जो है कोडिंग कर रखी है। तो ये कोडिंग वाली फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको बड़े इजी वे के साथ जो है यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी स्टार, एम्प्टी के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक फोल्डर यूज़ किया है स्टार्स, और उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह तीनों तरह के जो है स्टार्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर के अंदर तीनों तरह के स्टार्स मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखे हैं, और इनका जो साइज़ है वो है 50x50। तो ऐसे ही स्टार जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो ये है एम्प्टी वाला स्टार, ये है फिल्ड वाला स्टार, और ये है वेटिंग वाला स्टार। वेटिंग वाला स्टार तब आएगा जब आप माउस का कर्सर किसी एम्प्टी स्टार के ऊपर लेके जाएंगे, तो तब आपको वेटिंग वाला स्टार जो है डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी है मैक्स स्टार, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे रेटिंग वाली आपकी कोडिंग है उसके अंदर आपने जो है यूज़ करनी है इसको। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो कोडिंग यूज़ करनी है वो करनी है, यहाँ से आप कॉपी कीजिए ऑटो पोस्ट बैक और यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आगे हमने जो है सीएसएस के रिलेटेड कोडिंग्स यूज़ करनी है, तो उसके लिए जो है सीएसएस की जो कोडिंग है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और इसको कॉपी करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पे जो आपका टाइटल टैग क्लोजिंग वाला है, उसके बाद में आपका स्टाइल है जो है सीएसएस वाला, तो इसमें आपने कोडिंग करनी है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है एक फोल्डर तैयार करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे एक फोल्डर, और इस फोल्डर का नेम रखेंगे स्टार्स, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टार्स एक फोल्डर होगा और उसके अंदर हमारी जो है स्टार्स के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो होंगी। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं एग्जिस्टिंग आइटम्स, और जहाँ पे आपकी जो है स्टार वाली इमेजेस पड़ी हुई हैं वहाँ से वो सारे ही स्टार्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इनको ऐड कर देना है इस फोल्डर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारी कोडिंग भी हो चुकी है सीएसएस के रिलेटेड। तो अब हमने यहाँ पे जो है सीएसएस को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो है यूज़ करेंगे स्टार सीएसएस, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए हमारे पास जो है स्टार एम्प्टी जो है कोडिंग आ चुकी है। अब हमने जो है यहाँ पे यूज़ करना है फील्ड स्टार, तो यहाँ पे जैसे ही आप फील्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपने यूज़ करनी है स्टार फील्ड। और चलिए यहाँ पे जो है थर्ड वाली यूज़ करते हैं, तो थर्ड वाली जो है वो है वेटिंग स्टार, तो यहाँ पे लिखेंगे वेटिंग, और यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे स्टार वेटिंग। तो अब हमने यहाँ पे यूज़ करनी है वो करनी है एम्प्टी स्टार, तो यहाँ पे जो है एम्प्टी लिखेंगे और यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे एम्प्टी स्टार। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है एक जो है इवेंट यूज़ करना है, तो इवेंट को कैसे यूज़ करना है, डिज़ाइन के अंदर जाइए, प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपने रेटिंग वाला जो है सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग जो है आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए इवेंट्स के ऊपर, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए चेंज के ऊपर। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे हमारी कोडिंग वाला एडिटर जो ओपन हो चुका है। तो चलिए लेबल के अंदर हम जो है उसकी टेक्स्ट के अंदर जो है चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव रेटेड आवर वेबसाइट पॉइंट्स, और यहाँ पे कौन कैटेगनेट करेंगे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए रेटिंग कंट्रोल से ई डॉट वैल्यू, तो इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग वाला टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए ये वाली कोडिंग भी हमारी हो चुकी है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस कोडिंग को जो है यूज़ कर कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट भी कम्प्लीट है, और उसका जो है हमने जो है कोडिंग वाला कॉन्फिग्रेशन वाला पार्ट भी कम्प्लीट कर लिया है। तो चलिए इसको रन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आऊँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास रेटिंग वाली जो ऑप्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली जो है क्लिक करने के बाद जो है पोस्ट बैक के थ्रू जो है फीडबैक जो है सर्वर को जाएगी, और वहाँ से प्रोसेस होके जो है मेरे पास मैसेज आ चुका है यू हैव रेटेड आवर वेबसाइट 0.5।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक के बारे में समझ लग गई है कि रेटिंग कंट्रोल वर्क कैसे करता है और कैसे इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, तो जल्दी से इसे वीडियो को लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आप इसी किसी फ्रेंड के साथ जो है अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो जल्दी से व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए और सीखते रहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर आप कोई आइडिया मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई आइडिया मैं इंप्लीमेंट कर पाऊँ, तो आप उस आइडिया को जो है कमेंट के थ्रू या बाय मेल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके आइडिया को जल्दी से जल्दी एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इम्प्लीमेंट करके अपलोड कर पाएँ, ताकि वो अदर यूज़र्स और अदर सब्सक्राइबर या अदर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।